आप लोगों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया होगा या मकान बनाने के लिए सोच रहे होंगे। आप लोगों को मैं कितना इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं खुद कभी कभी परेशान हो जाता हूं मैं कितना इंफॉर्मेशन दे दूं पब्लिक को लेके। अभी और एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं डेली बेस पे साइट पे होता हूं, मुझे पता है कि कहां पे क्या हो रहा है, कैसे आप लोग बच सकते हो आगे के लिए। मेरी इंफॉर्मेशन वही होता है कि आपको अवेयर करना, आपको बचाना। तो आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो है ये चीज कि हम सारे तो फॉल्स सीलिंग कराते हैं आजकल घर में, फॉल्स सीलिंग कराते हैं आजकल घर में, रूफ की डिजाइनिंग देते हैं, लेकिन वो फॉल्स सीलिंग अगर मैं कहूं वो फेल है लास्ट में, आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो मैं दिखा ही दूंगा आप लोगों को फॉल्स सीलिंग फेल है। आ जाओ थोड़ा सा नजदीक, ये यहां पे चेक कर सकते हो, ये जो इसके अंदर से ये जो रस्ट आया है नजर में, ये फॉल्स सीलिंग किया हुआ है। ये इतना बड़ा बीम नहीं है, ये इसमें 4 इंची फॉल्स सीलिंग है, मगर ये जो दाग से इसके अंदर से नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को इस बीम के अंदर से, इससे क्या होगा, ये किस चीज की फॉल्ट है? आप लोग बोलोगे कि इसको ऊपर से हम कर देंगे इसको पेंट, लो जी गया फिर से सफेद। लेकिन मामला ये चीज है कि जैसे इंसान की हड्डी होती है अंदर से, ऊपर से चाहे हमारा स्किन ब्लैक हो या काली हो, लेकिन हड्डी मजबूत होगा तो स्किन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मामला यही है, जो इसके अंदर जाली दी हुई है वो लोहे की बेस की दी हुई है, अगर वो स्टील का जाली होगी वो रस्ट नहीं पकड़ेगा, वो कभी भी रस्ट नहीं पकड़ेगा अगर स्टेनलेस स्टील का होगा। तो इसलिए आप लोग अगर फॉल सीलिंग के लिए सोच रहे हो तो इसमें अवेयर रहिएगा, जो आप लोग चैनल उसके अंदर से दे रहे हो वो भी स्टेनलेस स्टील का चॉइस कर लो और चेक कर लो एक बार स्टेनलेस स्टील है या नहीं है, और उसके बाद इसका भी चेक कर लो, जाली जो हम लगाते हैं उसका भी चेक करो, वरना कभी भी आपकी फॉल सीलिंग फेल हो जाएगा उसके बाद आप लोग रोओगे। और इसके अल्टरनेटिव अगर दूसरी साइड हम देखेंगे तो आजकल पीवीसी भी है, यूपीवीसी भी है, लेकिन उनके अंदर हम क्यों नहीं जा रहे हैं उस साइड ज्यादा, हम क्यों आ रहे हैं इसी साइड ज्यादा, ये आप लोगों के ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा। इन दोनों के क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसकी नेगेटिविटी मैंने बोला, अब उसका नेगेटिविटी आप लोग बोलोगे। तो बड़ा मेहरबानी, अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो बड़ा अवेयर रहिए, हर एक पार्ट को लेकर अवेयर रहिए, और करने वाला कभी भी चीट कर सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि आप एक मामले में आप अवेयर हैं, आप कितने साइड से अवेयर रहोगे, कितने साइड से, इसलिए बेहतर है आपको हर साइड से अवेयर रहना है पहले, उसके बाद ही अपना घर का काम कराए। तो जिससे भी कराओगे, जिस ठेकेदार से कराना है आप किसी से भी करा दो, तो लेकिन कराना काम सही, मटेरियल को हमेशा चेक करके देखो। मैं एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप ये सारा चीजें सीखना चाहते हो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे साथ कहां कहां भी चीट होता है किसी भी एक मामले में मार्केट के अंदर, तो उसके लिए किफायत जाफरी का ये पेज है और यूट्यूब चैनल है, वो आप लोग चेक कर सकते हो, हमेशा हमेशा हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो जुड़ने के लिए एक ही तरीका है, वो सब लोगों को पता है, मैं तो वो नहीं बता सकता हूँ, एक या तो सब्सक्राइब कर लो या तो इस पे बिलो में लिखा होगा फॉलो, उसको क्लिक कर लो, सिंपल तरीका है, मगर इंफॉर्मेशन होगी रियल। अंदर से ही इसका सिल्ट जो भी आप लोगों को बाहर कलर चेंज हुआ है पानी, ये आयरन है इसके अंदर, आयरन और मोटा आयरन होता तो चलो 8-10 साल निकलता, जाली पतली होती है, तो पतली जाली को होता क्या है कि वो खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं यकीन करोगे मैं जज कैसे कर सकता हूँ ये जाली है, जरा उधर दिखा दो, यहाँ पे इन लोगों को नॉर्मली समझ आएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये जाली है, ये जाली फेल है, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे ये फेल है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ, मेरा कहना है आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज, मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों को, मेरा सिंपल इंफॉर्मेशन रहती है, मैं किसी कारीगर का नाम नहीं लेता हूं, मैं किसी घर वाले का नाम नहीं लेता हूं, किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं। हाँ, इसमें आयरन बेस पे भी है और इसमें स्टेनलेस स्टील भी है, जो आप सस्ता ढूंढते हो स्टेनलेस स्टील नहीं मिलेगा फिर उसके अंदर, इसलिए अगर आप लोग काम कराना चाहते हो किसी एक से भी, काम सही करा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।